नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। हर वर्ष की तरह इस बार भी श्रीमद् भारत साहित्य समिति द्वारा जुलाई माह में प्रतिष्ठित शताब्दी सम्मान समारोह होने जा रहा है, जिसको लेकर समिति के डॉक्टर पुष्पेंद्र दुबे, हरिराम वाजपेयी, डॉक्टर अरविंद जवलेकर व अन्य प्रमुख जनों ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार पद्मश्री डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और डॉक्टर संतोष चौबे को वर्ष 2023 का समिति शताब्दी सम्मान दिया जाएगा, जिसके तहत साहित्यकार द्वय को 1,00,000 रुपए के सम्मान निधि और मानपत्र भेंट किया जाएगा। मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर के दो साहित्यकारों को उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दो राष्ट्रीय साहित्य सम्मानों से विभूषित करती है। पिछले 15 वर्षों में लगभग 30 साहित्यकारों को हमने इसके लिए विभूषित किया है। इस वर्ष हमने डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और डॉक्टर संतोष चौबे इनका नाम का चयन किया है और उन दोनों को राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य सम्मान से हम विभूषित करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम संभवतः जुलाई महीने में आयोजित किया जाएगा और जिसमें देश के किसी ख्यातनाम व्यक्ति के हाथों से उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। सर, कहाँ कहाँ से प्रबुद्ध जन इस आयोजन में शामिल होंगे? इस आयोजन में ये तो जो अतिथि दो है, एक तो भोपाल से है, एक उत्तर प्रदेश से है। ये दोनों तो जिनको सम्मानित किया जाना है। इसके अलावा जो दो दिन का कार्यक्रम करेंगे, हम साहित्यिक आयोजन करेंगे, दो दिन की 4 सत्र होंगे जिसके अंदर अलग अलग विषयों पर संगोष्ठियाँ होंगी। उसके लिए हम बाहर से भी लोगों को बुलाएंगे अलग अलग स्थानों से, और जो राष्ट्रीय स्तर का कोई अतिथि आएगा जिसके हाथों से इन्हें सम्मान दिया जाएगा, वो अब कौन आता चाहे होता है ये मालूम पड़ेगा, लेकिन संभवतः कोशिश करेंगे कि जुलाई में ये कार्यक्रम हम संपन्न करें। तारीख इसमें निश्चित नहीं है, क्योंकि जो बड़े अतिथि होते हैं उनका तारीख मिलना मुश्किल रहती है ना, तो इसलिए हम टेंटेटिव तारीख उन्हें बताएंगे, उसमें से जो तारीख सूट हो जाए सब बोला है। मेरे अरविंद जावलेकर, मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति का मैं वर्तमान में प्रधानमंत्री हूँ। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।